मैं जिंदा हूँ तुम्हारी तरह और मैं तुम्हारे साथ ही खड़ा हूँ। अपनी आंखें बंद करो और इर्द गिर्द मुशाहिदा करके देखो, तुम मुझे अपने सामने पाओगे। ये अल्फाज हैं द ब्रोकन विंग्स और द मैडमैन खलील जैसे मशहूर ज़माना किताबों के मुसन्निफ जिब्रान खलील जिब्रान के। शेक्सपियर और लौजी के बाद दुनिया के सबसे बड़े शायर खलील जिब्रान ने अपना नाम यूं ही नहीं कमाया, बल्कि ज़िंदगी के मोड़ पर परेशानियों का सामना करता रहा। इसका बाप नशे में धुत अपनी बीवी और बच्चों को मारता और उनको बुरा भला कहता था। स्कूल में अगर उस्ताद उसे डांटता तो वो उस्ताद की एक डरावनी तस्वीर बनाकर उसका मजाक उड़ाया करता था, और इसी खूबी ने जिब्रान खलील को एक मुसव्विर, शायर, फलसफी और नाकाम आशिक बना डाला। उसकी बचपन ही में कैंसर ने उसकी माँ और बहन भाइयों को मौत की नींद सुला दिया, लेकिन उसने इन सारे तकालीफ को बखुशी कबूल किया और हिम्मत हारने की बजाय अंत तक मेहनत करता रहा। और एक वक्त आया कि उसकी किताबें पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फरोख्त होने लगी। दोस्तों, इस दुनिया की एक हैरत अंगेज सच्चाई सुन लें कि हर कामयाब इंसान अपने इंतहाई नाकाम दिनों में भी जानता है कि वो एक दिन कामयाब ज़रूर होगा।